हे गाइस, मेरा नाम है तौहिद और आप देख रहे हैं टेक्नो तौहिद। गाइस, मैं इस वीडियो में आपको वाईफाई हैक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले फर्स्ट आपको जिस वाईफाई को हैक करना है उसका आपको राउटर का मॉडल नंबर मालूम होना चाहिए। फर्स्ट अगर वो टीपी लिंक राउटर हो तो उसका मॉडल नंबर आपको मालूम होना ही चाहिए। और सेकेंड ट्रिक जो है वो फॉर अदर राउटर्स के लिए। तो मैं आपको वीडियो एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझिए जब भी आप वाईफाई हैक कर पाएंगे। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले कुछ इमेज के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये मेरा ही राउटर है टीपी लिंक, तो इस राउटर का रेड जो अंडरलाइन में उसका मॉडल नंबर दिया है और सेकेंड रेड लाइन में उसका पिन दिया है। ये जो पिन है वो WPS पिन है, यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप पिन है। इसी तरह टीपी लिंक के हर राउटर मॉडल का हर WPS पासवर्ड होगा। तो मेरे पास मेरा इस राउटर का पिन नंबर है, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसमें हर एक टीपी लिंक राउटर मॉडल और उसका WPS पिन लिखा हुआ है, जो कि जो लिस्ट है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर अपना राउटर मॉडल नंबर और उसका पासवर्ड सेलेक्ट कर पेस्ट कर लीजिए। तो मैं आपको लाइव प्रूफ बता दूंगा। तो पहले आप देख लीजिए, इमेज में मॉडल नंबर लिखा है, उसका डिफ़ॉल्ट एक्सेस, उसके बाद उसके ऊपर इसका मैक एड्रेस भी इम्पॉर्टेंट है, मैक एड्रेस दिया हुआ है और उसके नीचे पिन दिया हुआ है जो कि 67407415। तो ये डिफ़ॉल्ट पिन है जो कि कंपनी की तरफ से आता है, और एक मैनुअल पिन जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, और अदर राउटर्स के लिए सेकेंड ट्रिक है जो टीपी लिंक नहीं है, जैसे कि जो डी लिंक अदर राउटर्स जो हैं जियो वाईफाई, तो उनके लिए सेकेंड ट्रिक है जो वीडियो के एंड तक देखिए, वीडियो पूरा समझिए। तो गाइस, तो सबसे पहले फिर मैं आपको नोट्स में लेके चलता हूँ जहाँ पर मैंने, तो यहाँ पर WPS पिन हर एक राउटर मॉडल की WPS दी हुई है। तो आप यहाँ से पेस्ट कर लीजिए और उसे कॉपी कर लीजिए। तो मेरा राउटर मॉडल फर्स्ट वाला ही है, मैं इसका पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ, और ये रहा टीपी लिंक, यही राउटर है मेरा वाला। और मैं आता हूँ वाईफाई सेक्शन में और रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये जो फोर्थ वाला है TLW, और इस पर जाता हूँ और फिर यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ 64674074415। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज देखिए, ये वाईफाई कनेक्ट हो गया है। ये तो था WPS पिन टीपी लिंक के लिए। फॉर अदर राउटर्स के लिए भी एक ट्रिक है, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। फॉर अदर राउटर्स के लिए मैंने कुछ स्टेप्स बनाए, उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सेकेंड ट्रिक भी सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो मैं पहले वाईफाई बंद कर देता हूँ, उसके बाद सेकेंड फॉर अदर राउटर्स के लिए सबसे पहले आपको WPA टेस्टर ओपन करना रहेगा, जो कि प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। सेकंड, आपको एक मैक एड्रेस नोट करना होगा उसका, जैसे कि ये टीपी लिंक है, इसका भी एक मैक एड्रेस है जो यहाँ पर दिया हुआ है, पिन रेड लाइन के ऊपर वाला जो मैक एड्रेस दिया हुआ है, इस मैक एड्रेस को आपको नोट करना होगा। कहाँ पर WPA टेस्टर में जाने के बाद मैं आपको बताऊँगा अभी। थर्ड, आपको इस लिंक पर जाना रहेगा, इस वेबसाइट पर जो कि WPS पिन प्रोवाइड करेगी, फिर आपको उसे उस WPS पिन को नोट करना है। और फिफ्थ, आपको WPA टेस्टर में वापस जाकर कस्टम पिन पर सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह करना है। तो सबसे पहले आप WPA टेस्टर ओपन कीजिए। तो ये सर्च कर रहे हैं, फिर जो भानु इंटीरियर आर्ट सेकेंड जो ग्रीन में दिख रहा है जिस पर WPS पिन है, वहाँ पर आपको टीपी लिंक टेक्नोलॉजीज और उसके ऊपर आपको मैक एड्रेस दिखेगा EC086BE4BF02। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो इस मैक एड्रेस को आपको नोट डाउन करना है, और ये मैक एड्रेस आपको नोट डाउन करना है और
वेबसाइट पर जाना है। उस वेबसाइट को मैं पहले पेस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ये किया कॉपी। इसके बाद आपको यूसी ब्राउज़र में तो ये मैंने वेबसाइट पेस्ट कर दी है। इसके बाद आपको जाना है टूल्स में, टूल्स तो यहाँ पर वो वेबसाइट खुल चुकी है। तो अबाउट मैप सर्च, तो आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको जाना है WPS पिन जनरेटर, इस मेन्यू को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो मैक एड्रेस है उस मैक एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करना है। उस मैक एड्रेस को यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और आपको गेट ऑल ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको लाइन से पिन कोड्स, इस मैक एड्रेस के जो WPS पिन्स हैं वो लाइन टू लाइन वाइज दे दिए रहेंगे। तो इसमें से आपको इस पासवर्ड, जितने भी पासवर्ड है आपको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें जितने भी पासवर्ड दिए हुए हैं WPS पिन के, उन पासवर्ड्स को नोट डाउन करना है। उन पासवर्ड्स को नोट डाउन करना है। उसके बाद आपको WPS पिन वापस से खोलना है। ये मैं एड्स के लिए अपना डेटा बंद कर रहा हूँ, एड्स इसके लिए नहीं, एड्स नहीं आएंगे। फिर उस पासवर्ड्स को कॉपी करने के बाद आपको इस सेक्शन में जाना है, इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कस्टम पिन पर सेलेक्ट करना है। कस्टम पिन के बाद इंसर्ट पिन बता रहे हैं, तो आपने वहाँ से जो पिन कॉपी किया था, मैंने वेबसाइट पर मैं कॉपी तो नहीं कर पाया, तो आपको वहाँ से कॉपी करना है या तो उसको नोट डाउन करना है और फिर यहाँ पर इंटर करना है, फिर यहाँ पर ओके करना है। तो इस तरह आप उस वाईफाई को सक्सेसफुल कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन आपको हर एक पासवर्ड को ट्राई करना होगा, उसके बाद ही वो सक्सेसफुल कनेक्ट होगा। तो मैंने इसे ट्राई किया है, ये ट्रिक वर्क करती है कुछ मैक एड्रेस पर और कुछ मैक एड्रेस पर नहीं करती है, लेकिन जो टीपी लिंक वाला ट्रिक है फर्स्ट वाला, वो हर एक उसका राउटर मॉडल, अगर आप राउटर मॉडल नंबर जान जाएंगे तो आप सक्सेसफुल वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और स्टे कनेक्ट विद अस। बाय।